तो विवादों से घिरी हुई न्याय यात्रा जो कि आज असम से पश्चिम बंगाल पहुंचेगी और इस यात्रा का आज 12वां दिन है। राहुल गांधी और पार्टी के कई नेताओं के खिलाफ हिंसा में शामिल होने के आरोप लगे असम में, जिनमें FIR भी दर्ज हो चुकी है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा मंगलवार को गुवाहाटी पहुंची थी, जिसे असम पुलिस ने रोक दिया था। राहुल अपने काफिले के साथ गुवाहाटी शहर के बीच से गुजरना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने उसकी इजाजत नहीं दी। वहीं पुलिस ने गुवाहाटी सिटी जाने वाली सड़क पर बैरिकेडिंग कर दी। इसके बाद कांग्रेस समर्थक पुलिस से भिड़ गए, उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ दी थी। असम पुलिस ने वर्किंग डे का कारण बताकर न्याय यात्रा को शहर के अंदर ले जाने से मना किया था। पुलिस ने कहा था कि अगर न्याय यात्रा शहर में गई तो ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी, इसलिए प्रशासन ने रैली को नेशनल हाईवे पर जाने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा 18 जनवरी को नागालैंड से असम पहुंची थी। 20 जनवरी को यात्रा अरुणाचल प्रदेश गई, फिर 21 को असम लौट आई। इसके बाद यात्रा 22 जनवरी को मेघालय निकली और उसके बाद एक बार फिर असम पहुंची। वहीं राहुल की न्याय यात्रा आज पश्चिम बंगाल में प्रवेश करेगी। वहीं आपको बता दें कि उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिन्होंने पहले ही गठबंधन से इनकार कर दिया है, उन्होंने एकला चलो का नारा दे दिया है और इधर आज ये न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल में प्रवेश करेगी। वो नफरत फैलाते हैं और जब आप इधर उधर देखते हो आपके जेब में से कट पैसा निकलता है, तो ये इनका काम है। देश का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, ठीक है, काजीरंगा में जमीन ले ली। हाँ। अब आप वहाँ पे काजीरंगा जाओगे, राइनो देखने जाओगे, पता लगेगा जी जी। चीफ मिनिस्टर की पूरी वहाँ पे जमीन। शाम को पान खाओगे, पता लगेगा भैया चीफ मिनिस्टर का पान है। मीडिया देखोगे, टीवी देखोगे, टीवी के पीछे चीफ मिनिस्टर। तो जो भी आपको टीवी वाले मीडिया वाले बता रहे हैं वही बता रहे हैं जो असम का चीफ मिनिस्टर चाहता है। अच्छा, असम का चीफ मिनिस्टर, असम के चीफ मिनिस्टर का कंट्रोल किसके हाथ में? नहीं भाई, अमित शाह के हाथ में। तो अगर इसने चू भी कहा, अमित शाह के खिलाफ चू भी कहा इसको, इसने इसको 2 मिनट में लात मार के भगा देंगे। तो बात समझो, असम को असम नहीं चला रहा। गोगोई जी चीफ मिनिस्टर थे, जो असम चाहता था गोगोई जी करते थे। हमने कभी नहीं कहा, हमने गोगोई जी को, गोगोई जी हमारे गुरु थे, हमने कभी नहीं कहा गोगोई जी आप ये करोगे, आप वो करोगे, आप ऐसे करोगे, आप ये करोगे, कभी नहीं कहा, जिंदगी में नहीं कहा। और किसी कांग्रेस के दिल्ली के नेता ने नहीं कहा, क्योंकि हम चाहते हैं कि असम असम से चले।